हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस। हम आज इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लाए हैं। ये बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछता है, और ये जो है केबल एंड सस्पेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है मैक्सिमम पॉसिबल स्पैन पूछा हुआ है कि जो हमारा केबल है, ठीक है, वो सेम लेवल पे है हमारा। ठीक है, एक केबल है सेम लेवल पे, इसको हम बनाते हुए चलते हैं कुछ इस तरीके से है। ये सेम लेवल का, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लेवल है। ठीक है, तो और ये जो सेंट्रल डिप है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंट्रल डिप है एच जो है वो गिवेन है 1/10 ऑफ स्पैन, मतलब कि ये एल जो है लेंथ का जो है, जैसे कि एच इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाई 10। ठीक है, और परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है। स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो है स्टील वेट दिया है। तो स्टील वेट को मैं W से यदि डिनोट करूंगा तो ये दिया हुआ है 78,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसमें हमको स्पैन पूछा हुआ है और हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है इतने सारे। इसको हम क्या लिख सकता हूँ मैं, यदि मैं इसी को यहाँ पे नोट करूँ तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, एच अपॉन एल इक्वल्स टू 1/10, एच अपॉन एल इक्वल्स टू 1/10। हम इसमें पूछा क्या है, यही पूछा हुआ है लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए, लेंथ मीन्स स्पैन, ये स्पैन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको लेंथ ऑफ केबल हमको पता है कैपिटल एल इक्वल्स टू कितना होता है। तो कैपिटल एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ केबल, ये लेंथ ऑफ केबल है, तो यहाँ इक्वल्स टू क्या होगा, एल 8/3 एच स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि इन दोनों में से एल कॉमन कर लें, तो यदि एल कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस, यहाँ पे देखिए एल नीचे है तो हम एल कॉमन करेंगे तो इसमें एल का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/3, तो यहाँ से एच अपॉन एल हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, पहले से एक एच की स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस 8/3, एच अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, 1/10। ठीक है, तो यही स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से एल की वैल्यू हम लोग फाइनली जब सॉल्व कर लेंगे ये आएगा 308/300, और ये जो है कहाँ गया, ये एल है। ठीक है, ये एल, अब हमको देखिए यही एल निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ स्टील। ठीक है, वेट ऑफ केबल जो है, स्टील वेट कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 78,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब देखिए, वेट जो है या तो न्यूटन में देना चाहिए या तो किलो न्यूटन में देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है क्यूबिक मीटर कर दिया है, मीन्स कि एक तरीके का वॉल्यूम कर दिया है। तो इस पूरे वेट को हमको न्यूटन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इंटू के लेंथ। तो लेंथ तो हमारा ये निकाल लिया है, और एरिया मैं मान लेता हूँ ए, ये क्या है? एरिया मान लेता हूँ इतना mm स्क्वायर। तो यदि एरिया का और लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो W की वैल्यू आ जाएगी वो न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू के लेंथ, तो लेंथ हमारा जो है 308/300 एल और एरिया ए। ठीक है, तो और हमको ये जो है मीटर में चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर है, तो एरिया लेकिन हम माने हैं mm में, तो mm से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से स्क्वायर, 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, तो यहाँ पे हम mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फाइनली हम यदि सॉल्व कर लें तो जो W आ जाएगी वो न्यूटन में आ जाएगी, वो कितना हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के बाद इसको कितना हो जाएगा, 0.08008 AL, ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में। ठीक है, अब देखिए ये कंसंट्रेटेड लोड है। ठीक है, हमें ये पता है कि ये कंसंट्रेटेड लोड का ही एक तरीके का फॉर्म है। ठीक है, ये यूडीएल लोड नहीं है, नहीं तो यूडीएल लोड रहता तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर mm रहता, कुछ ना कुछ जरूर दिया रहता है। ठीक है, लेकिन ये न्यूटन में हम इसको निकाल लिए, तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रिएक्शन हम यदि फाइंड करना चाहें
तो वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टू होता है, ठीक है, तो डब्ल्यू बाई टू करेंगे, ये हो गया वी ए इक्वल्स टू। और एच इक्वल्स टू क्या होगा, हमको ये पता है कि जब यूडीएल पूरा लोड लगा रहता है केबल में, तो उस टाइम एच की वैल्यू होती है वो कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, ये किसकी वैल्यू होती है, वो एच की वैल्यू होती है। ये कब होता है, जब यूडीएल के लिए, यदि हमारा टोटल लोड न्यूटन में दिया है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में नहीं दिया है, न्यूटन में केवल दिया है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल इंटू के एल, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल लोड हो जाएगा, मीन्स कि ये न्यूटन या किलो न्यूटन में, ठीक है, तो ये न्यूटन में दिया है, तो मैं इसको इसी के जगह पे हम कैपिटल ये डब्ल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे जब डब्ल्यू एल के जगह पे कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाई एट एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हमको, सॉरी गाइस, एक्चुअली वीडियो शूट कर रहा था तब तक ये शायद बैटरी फुल हो गया होगा, इसकी वजह से मैं बताता चला गया और वीडियो पॉज हो गया था, मीन्स जो है बैटरी खत्म, इसकी जो है मेमोरी खत्म हो गई थी, इसकी वजह से मैं इस कंप्लीट कर लिया। तो मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या किया हूँ। यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई एट एच, क्यों हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन एट एच जो होता है वो यूडीएल के लिए होता है, ठीक है, लेकिन हम यदि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूटन में, ये डब्ल्यू न्यूटन में दिया है, तो इसको न्यूटन में करने के लिए डब्ल्यू एल की जगह पे हम कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे, तो ये न्यूटन में होगा, तो यहाँ से हम डब्ल्यू एल अपॉन एट एच रख लेंगे। और यहाँ से टी मैक्सिमम जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर होता है, तो एच की वैल्यू मैं यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल अपॉन एट एच पुट करूंगा, और यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू बाई टू। तो यहाँ से टी मैक्स हम यदि फाइनली सॉल्व करेंगे एल ये जो है वैल्यू सब रखने के बाद, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, यहाँ पे एच की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एल बाई एच की वैल्यू जो दिया रहेगा, यहाँ से 10 रख देना एल बाई एच की वैल्यू, ठीक है, तो एल बाई एच की वैल्यू 10 रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो फाइनली इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी दी होती है, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन अपॉन एरिया, ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन क्या है हमारा, ये दिया हुआ है, इसके जगह पे ये पुट कर दिया, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है 150 क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है, और एरिया की वैल्यू एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फाइनली हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ इससे रिलेटेड तो आप लोगों को पहुँच जाए। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।